ग्रामीण क्षेत्र में बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर पहले सायला में इलाज नहीं मिल पा रहा था। ऐसे में अभी कोविड मरीजों के लिए सायला प्रशासन व चिकित्सा विभाग द्वारा भामाशाहों को प्रेरित कर सायला में कोविड सेंटर खोला गया है। अब कोविड मरीजों को सायला में ही इलाज मिल पाएगा। पहले इनको भीनमार या जालो जाना पड़ रहा था। ऐसे में प्रशासन की भामाशाहों को प्रेरित करने की जो मुहिम है वो काम आई है, रंग लाई है और भामाशाहों के बदौलत यहाँ पर कोविड सेंटर शुरू हो पाया है। हमारे साथ है सायला एसडीएम सीमा तिवारी, उनसे बात करेंगे। जी मैडम, बताएं जो आज कोविड सेंटर शुरू हो पाया है यहाँ पे क्या सुविधा मिल पाएगी? एक्चुअली पहले जैसा कि आपको पता है पिछले साल सायला में किसी भी प्रकार का कोई कोविड सेंटर नहीं था, लेकिन जिस तरह से महामारी बढ़ती जा रही है सब जगह बेड जो है वो फुल हो गए हैं। जैसे हम जालौर अगर जनरल हॉस्पिटल की भी बात करें तो वहाँ पे भी जो है बेड ओवर हो चुके हैं, लोग वेटिंग में चल रहे हैं। ऐसे समय में सायला उपखंड के अंदर ही चूंकि भामाशाहों को प्रेरित किया गया और भामाशाह बढ़कर आगे भी आए तो उनके सहयोग से ही हमने यहाँ पर कोविड केयर सेंटर ओपन किया है। सीएससी के अंदर ही हमने करीब 15 बेड्स की व्यवस्था की है और उसके अलग एक और जो हमारा पोर्शन है सीएससी के अंदर वहाँ हमने अलग से कोविड केयर सेंटर शुरू किया, उसमें भी करीब 15 जो है बेड्स की व्यवस्था की है। सभी प्रकार की मशीनें जो कि कोविड के लिए ज़रूरी है उनकी व्यवस्थाएँ करवाई गई है। अलग से इन्वर्टर लगवाए गए हैं और भी तरह की जो सुविधाएँ कोविड के लिए चाहिए उन सबको मुहैया करवाया जाएगा। ये तो हमारे साथ सायला एसडीएम सीमा तिवारी, इन्होंने बताया कि भामाशाहों की बदौलत यहाँ हमने कोविड सेंटर शुरू किया है। अब कोविड मरीजों को आगे इलाज के लिए नहीं जाना पड़ेगा, यहाँ पर सारा इलाज मिल पाएगा। कैमरामैन रवि के साथ सुखदेव सिंह, राजपुरोहित, फर्स्ट इंडिया न्यूज, सायला।